क्यों? हमारी फौज में कहावत है, ज्यादा बहस ना करो, मारो कुट्टो और आगे बढ़ो। वो उसे ला कर देता था। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली दोनों ही बड़ी फिल्में यानी कि दोस्तों डंकी और सलार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस अपडेट होकर आ चुके हैं। और दोस्तों डंकी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती 5 दिनों में कितने करोड़ की कमाई कर ली है और इस फिल्म का कल अपने 6वें दिन की जो एडवांस बुकिंग है वो अभी तक कितनी हो चुकी है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सलार के 4 दिनों के अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। कल अपने 5वें दिन के लिए इस फिल्म ने कितनी एडवांस ले ली है ये भी हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले 3 हफ्तों से शानदार कमाई कर रही फिल्म एनिमल और एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी बॉलीवुड, साउथ और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं हॉलीवुड की बिगी फिल्म एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने 5 दिन पूरे कर रही है। और दोस्तों इन 5 दिनों में इस फिल्म ने इंडिया से कितने करोड़ की कमाई की है दोस्तों बताते चले आपको कि डीसी यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड और लास्ट फिल्म है यहाँ पर एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम। इसके लीड में आपको जैसन मोमोआ, अम्बर हर्ड और पैट्रिक विल्सन नजर आने वाले हैं। जेम्स वॉन के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस सुपर हीरो फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में मात्र 800 स्क्रीन्स दी गई थी और इन 800 स्क्रीन्स पर इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन तो 3,20,00,000 रुपए की ओपनिंग ली, जो कि एक तरह से काफी बढ़िया ओपनिंग है एक्वामैन और सुपर हीरो फिल्मों को मिल रहे कॉम्पिटिशन की वजह से। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से कुछ खास रिव्यूज मिलते हुए नजर नहीं आए, यही वजह है दोस्तों की इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन 1,65,00,000 रुपए कमाए, तीसरे दिन 2,65,00,000 रुपए कमाए, तो वहीं दोस्तों अपने चौथे दिन लगभग 3,15,00,000 रुपए कमाने में कामयाब रही। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म 10 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी थी, जबकि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन $100 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुका था। दोस्तों बताते चले आपको कि एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने 5वें दिन भी 1,15,00,000 रुपए के आंकड़े को टच कर रही है और इसी के साथ इस फिल्म का टोटल 12 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहा है। यह फिल्म दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर दूसरी फिल्म तो दोस्तों एनिमल जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने 25 दिन पूरे कर रही है और दोस्तों 25 दिनों के बाद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चलें कि संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनने वाली एनिमल जो कि एक एक्शन थ्रिलर और वायलेंस फिल्म है, इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको रणबीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी नजर आई है। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए का रखा गया है। दोस्तों बताते चले आपको कि एनिमल को ऑल ओवर इंडिया में 4,500 स्क्रीन्स मिली थी। इस फिल्म का क्लेश सेम बहादुर से हुआ था, लेकिन बावजूद इसके दोस्तों एनिमल ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 64 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ओपनिंग ली, जो कि एक तरह से बॉलीवुड इतिहास की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग है। 3 ही दिनों में दोस्तों ये फिल्म 200 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। तो वहीं दोस्तों अपने पहले ही हफ्ते में इस फिल्म के कलेक्शंस 337,58,00,000 रुपए के आंकड़े को पार कर चुके थे। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों एनिमल को काफी शानदार रिव्यूज मिलते हुए नजर आए। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का जो बज था वो ग्राउंड लेवल पर काफी ज्यादा था। इस फिल्म के गाने ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर थे, यही वजह है दोस्तों कि एनिमल ने अपने दूसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ती हुई नजर आई। और अगर बात की जाए इस फिल्म के सेकंड वीक के कलेक्शंस की तो दोस्तों अपने दूसरे हफ्ते इस फिल्म ने 139,26,00,000 रुपए कमाए। तो वहीं दोस्तों अपने तीसरे हफ्ते 54,45,00,000 रुपए की कमाई के साथ ही ये फिल्म 535 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के 22वें, 23वें और 24वें दिन की तो दोस्तों अपने चौथे वीकेंड में भी इस फिल्म के कलेक्शंस बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा ट्रेंड करने में कामयाब रहे और दोस्तों अपने 22वें दिन 1,05,00,000, 23वें दिन 1,65,00,000 और अपने 24वें दिन 2,18,00,000 रुपए की कमाई के साथ ही इस फिल्म ने 537 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर लिया था और गदर 2 को पीछे कर चुकी थी। आज दोस्तों अपने 25वें दिन इस फिल्म के कलेक्शंस 1,50,00,000 रुपए के आंकड़े को टच कर रहे हैं और ये फिल्म 538 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर चुकी होगी। दोस्तों बताते चले आपको कि एनिमल अगर 5 करोड़ रुपए की कमाई और कर लेती है तो इस फिल्म के जो कलेक्शन है
और पठान से ज्यादा हो चुके होंगे और ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जवान के बाद बॉलीवुड सिनेमा की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी रहेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एनिमल बॉक्स ऑफिस पर नए साल तक इसी तरह की कमाई करती रहेगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर फिल्म डंकी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपना 5वां दिन पूरा कर रही है, लेकिन दोस्तों कल इस फिल्म की अपने 6ठे दिन की भी जो एडवांस है वो ऑडियंस का दिल जीतने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि राजकुमार हिरानी सर के डायरेक्शन में बनने वाली डंकी, जो कि एक सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको सुपरस्टार शाहरुख खान तापसी पन्नू की जोड़ी पहली बार नजर आई है। वहीं दोस्तों इनका साथ दिया है इस फिल्म ने विक्की कौशल, बमन ईरानी और कई सारे बेहतरीन एक्टर्स ने। दोस्तों बताते चले आपको कि लगभग 4000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली इस सोशल कॉमेडी ड्रामा को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आए। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज दिए। यही वजह है कि शाहरुख खान की इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन तो 29 करोड़ 20 लाख रुपए की ओपनिंग इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ली, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर में ये फिल्म 58 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस फिल्म के सामने अगले दिन सलार जैसी फिल्म रिलीज हुई, वैसे ही इस फिल्म के कलेक्शन में एक ड्रॉप देखा गया। इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन 20 करोड़ 12 लाख रुपए कमाए, लेकिन अपने तीसरे दिन एक बार फिर से इस फिल्म के कलेक्शन में लगभग 27% की ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने कमाए 25 करोड़ 61 लाख रुपए। तीन ही दिनों में दोस्तों ये फिल्म 75 करोड़ रुपए कमा चुकी थी, लेकिन दोस्तों अपने चौथे दिन भी इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शंस थे उसमें एक बार फिर से 20% की ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने कमाए 30 करोड़ 70 लाख रुपए। इन चार दिनों के साथ ही इस फिल्म ने 105 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पार कर दिया था और दोस्तों सुपरस्टार शाहरुख खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हो रही थी। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म का तीन ही दिनों का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था वो 157 करोड़ का था। कल दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस लगभग 53 करोड़ रुपए के रहे और इसी के साथ इस फिल्म ने 211 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर चार ही दिनों में कर ली है। आज के कलेक्शंस की बात की जाए तो दोस्तों ये फिल्म आज अपने 5वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा ट्रेंड कर रही है और इस फिल्म की आज की जो एडवांस थी वो लगभग 9 करोड़ रुपए की थी। ये फिल्म मॉर्निंग से ही आज भी 25-32% की ऑक्यूपेंसी लेकर ओपन हुई थी। वहीं दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग में भी इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी में बेहतरीन ट्रेंड देखने को मिला। ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म को देखने आ रही है, स्पेशली दोस्तों फैमिली ऑडियंस शाहरुख खान की इस फिल्म को एंजॉय कर रही है। यही वजह है कि ये फिल्म आज अपने 5वें दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जहां 23 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ इस फिल्म के टोटल कलेक्शंस 128 करोड़ रुपए के इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुके होंगे। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात की जाए तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म आज लगभग 250 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर एक हिट ट्रेंड कर रही है। कल की भी दोस्तों इस फिल्म की एडवांस आज शाम को 6 बजे तक ही 250 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है और उम्मीदें हैं दोस्तों कि कल के लिए भी इस फिल्म की एडवांस लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की रहेगी। देखना यही है दोस्तों कि क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इसी तरह का ट्रेंड करके हिंदी में 300 करोड़ रुपए की नेट कमाई और दुनिया भर में 500 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई कर पाती है या नहीं। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर फिल्म सलार द सीज़फायर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में दोस्तों आपको पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास, श्रुति हसन और जगपति बाबू नजर आने वाले हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन भी दोस्तों इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल में आपको नजर आ रहे हैं। दोस्तों बताते चले आपको कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली सलार द सीज़फायर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब रही है और दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर साबित हुई है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि लगभग 4500 स्क्रीन्स पर ऑल ओवर इंडिया में रिलीज होने वाली सलार ने जहां अपने पहले ही दिन हिस्टोरिकल ओपनिंग लेते हुए 178 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए थे, जिसमें दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी से 16 करोड़ रुपए कमाए थे, तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शंस दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 117 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे, तो वहीं दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी से अपने दूसरे दिन 19 करोड़ रुपए कमाए। ऑडियंस की तरफ से मिल रहे शानदार रिव्यूज की वजह से दोस्तों इस फिल्म ने सिर्फ दो ही दिनों में 295 करोड़ रुपए कमा लिए थे, लेकिन दोस्तों अपने तीसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शंस में एक बार फिर से शानदार ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने जहां अपने तीसरे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल कमाई करते हुए कमाए 107 करोड़ रुपए और इन 107 करोड़ रुपए के साथ ही इस फिल्म का कलेक्शन 402 करोड़ रुपए का दुनिया भर में हो चुका था, जिसमें दोस्तों हिंदी से इस फिल्म ने
ने अपने तीसरे दिन 21 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म 3 ही दिनों में हिंदी में जहां 54 करोड़ रुपए कमा चुकी थी और दुनिया भर में 402 करोड़ रुपए कमा चुकी थी, तो वहीं दोस्तों ये फिल्म आज अपने चौथे दिन यानी कि दोस्तों क्रिसमस वाले दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई करती हुई नजर आ रही है। इस फिल्म के दोस्तों आज की जो एडवांस थी वो लगभग 13 करोड़ रुपए की थी। मॉर्निंग से ही दोस्तों ये फिल्म आज भी 35 से 38% की ऑक्यूपेंसी के साथ हिंदी में ओपन हुई, लेकिन दोस्तों इस फिल्म की ऑल ओवर इंडिया से जो ऑक्यूपेंसी थी वो 55 से 60% की थी। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने चौथे दिन भी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जहां एक बार फिर से 90 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इस फिल्म के 4 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो लगभग 492 करोड़ रुपए के हो चुके होंगे। आज ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अपने चौथे दिन लगभग 18 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। और दोस्तों इस फिल्म के आज के भी कलेक्शंस बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा ट्रेंड कर रहे हैं। ये फिल्म दोस्तों हिंदी में 4 दिनों में 72 करोड़ रुपए कमा चुकी होगी और दोस्तों जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी होगी। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के कल की एडवांस के बारे में, तो दोस्तों बताते चले आपको कि सुपरस्टार प्रभास की ये फिल्म हिंदी में काफी अच्छी कमाई कर रही है और दोस्तों कल की इस फिल्म की एडवांस हिंदी में ही 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आंकड़े को अभी तक पार कर चुकी है। टोटल एडवांस दोस्तों इस फिल्म की कल के लिए भी 6 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुकी है और उम्मीदें हैं दोस्तों कि ये फिल्म कल भी बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल ट्रेंड करे। फिलहाल में दोस्तों ये फिल्म 492 करोड़ रुपए की कमाई के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर इस साल की एक विनर साबित हुई है और दोस्तों डंकी को इस फिल्म ने बुरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। आपको दोस्तों इन तीनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।